हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज किस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एलियन पिरामिड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने बनाया था मेरा कासल और मैं उसके सिंहासन के अंदर बैठे हुआ था, आप सभी लोग देख ही सकते हैं। तो ये है मेरा कासल और इसकी मैंने अच्छी से स्टेयर्स को भी डेकोरेट कर दिया है। और ये जो हमारा पिरामिड होगा उसको मैंने सोचा है कि मैं बनाने वाला हूँ वाटर के ऊपर। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वन ब्लॉक का एक टावर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो पिरामिड हवा में होगा ना, क्योंकि वो एलियन पिरामिड है। तो हमें अच्छी सी हाइट पर जाना है हमें। इतनी हाइट, यस इतनी हाइट इनफ है। तो हम वापस ऊपर जाके इसे तोड़ देते हैं। चलो हम इसे तोड़ देते हैं नीचे तक। चलो तो हमें यहाँ से पिरामिड बनाना शुरू करना है। तो हमें एक 3x3 का एक स्क्वायर बना लेना है और उसके ऊपर हम रखने वाले हैं हमारे बीकन्स और ये मिडिल वाला ही चलने वाला है। तो इसके ऊपर आ चुके हैं हमारे बीकन्स। तो हमें इसे भी ज़रा कवर करना पड़ सकता है, तो हम जल्दी से इसे भी कवर कर देंगे। चलो मैंने इसे भी कवर कर दिया। अब ये पूरे बीकन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें इसके ऊपर ब्लॉक्स लगा देने हैं ताकि हाइड हो जाए। तो ये तो हाइड हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर लगाने हैं लैंटर्न्स एवरी कॉर्नर में ताकि ये थोड़ा ग्लो भी करें। और हमें इसके ऊपर लगाने हैं ग्लास पेयर। यहाँ पर हमारा एक लग जाएगा और यहाँ पर एक लग जाएगा। यहाँ ये बन चुका है हमारा फ्लैग। तो अब हमें पिरामिड की स्ट्रक्चर बनाना शुरू करना है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 ब्लॉक्स का तो फिनिश कर दिया है, ये हो गए हमारे 3 ब्लॉक्स। तो अब हमें और 12 ब्लॉक्स और नीचे तक बनाना है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बनाना है सेकेंड लेयर, वो भी हम जल्दी से बना देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। चुकी हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट। ये हमारी है थर्ड लेयर और ये जो हमारा पिरामिड है वो एलियन पिरामिड है। और ये एलियन पिरामिड को मैं एज अ बेस टाइप बनाने वाला हूँ। ये तो अभी हमारा पिरामिड होगा, लेकिन इसके अंदर जो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक खतरनाक सटोर, और उसके बाद उसके अंदर मैं रखूँगा एक मेस, और उसके बाद आपको एंड में एक लैडर दिखेगी। आपको वो लैडर से ऊपर जाना है मेज पार करके, फिर आप तब लैडर के ऊपर जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे।
डायमंड, एमरल्ड एंड गोल्ड। तो आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। अगर आपने रॉन्ग किया तो जो आपका रॉन्ग डोर है वहाँ पर रहेंगे बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बीज। जो करेक्ट डोर है आप उसके अंदर जा सकते हैं, और मैं अभी करेक्ट डोर नहीं बोलने वाला। करेक्ट डोर के अंदर आप जाते कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। पहले ये हमारी कौन सी लेयर है? 1, 2, 3, 4, 5 वाह, ये हमारी फिफ्थ लेयर है। और ये फैंटम क्यों उड़ रहे हैं? इतने सारे कैसे स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पर? तो हम पहले जल्दी से डे कर देते हैं। ये हो गया डे। तो हमारी ये फिफ्थ लेयर थी, अब हमें लगाने हैं सिक्स्थ लेयर। तो हम जल्दी से सिक्स्थ लेयर भी लगा देते हैं। क्वेश्चन पे तो अब क्वेश्चन दिखेगा आपको, और वो क्वेश्चन रहेगा व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों को तो पता होगा, जो नहीं देखते वो हो जाएंगे कंफ्यूज्ड और वो लोग रॉन्ग डोर चूज़ करेंगे। रॉन्ग डोर में मैं रखूँगा ढेर सारे रिच, और करेक्ट डोर में आप जाओगे और वहाँ पर आपको दिखेंगे मेरा ट्रेजर। तो हमारी ये कौन सी लेयर है? आई थिंक सेवेंथ लेयर है ये हमारी। हाँ, ये हमारी सेवेंथ लेयर है। तो ये हो गई हमारी एट्थ लेयर। ये हमारी एट लेयर भी कंप्लीट होने पे है टोटली। तो ये हो गई हमारी एट लेयर कंप्लीट, और ये थोड़ी पिरामिड वाले लुक आना शुरू हो चुकी है। तब हमारे टोटली 12 लेयर्स हो जाएंगे, तो ये पूरी आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी ये एट लेयर हो गई हमारी। अब ये है हमारी नाइन्थ लेयर। आप एक बार कमेंट पे बताओ आपको मेरा कैसल और ये पिरामिड और ये जो एरिया है ना, ये बहुत अच्छा दिखने वाला है, तब ये पिरामिड बनेगा। पहले ही आप देखो, यहाँ पर आता है हमारा वुड मेंशन, फिर आता है हमारा डायमंड मेंशन, फिर आता है हमारा अंडरग्राउंड बेस और अंडर वाटर बेस, फिर ये पैराडाइज और हमारा कास्ट। ये बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो ये हमारी है टेंथ लेयर। तो हम टेंथ लेयर भी जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। मेरा कौन सा मेंशन अच्छा दिखता है? आपको मेरा गोल्ड मेंशन पसंद है, या फिर वुड मेंशन पसंद है, या फिर ये अंडरग्राउंड बेस, या फिर अंडर वाटर बेस, या फिर पैराडाइज, या फिर कासल? आपको कौन सा दिखता है प्लीज़ कमेंट में बताइए। और यार कोई कमेंट ही नहीं कर रहा मुझे। आप तभी भी कमेंट करते हैं, हमें भी इंटरेस्ट आता है वीडियो बनाने में, हमें भी जोश आता है एक कमेंट का। आप जो भी बोलोगे मैं करूँगा। तो हमारी ये 11th लेयर तो कंप्लीट होने पे ही है। ये हमारी 11th लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी है ये 12th लेयर, तो इसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं।
ये हमारी 12th लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है हमारा पिरामिड, तो मैं सोचा हूँ इसे और थोड़ा डाउन कर देते हैं, वन लेयर और बढ़ा देते हैं, 13 तक कर देंगे। फिर हमें इसका फिल करना है ग्राउंड। पहले हम ये जल्दी से कर देते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी 13 लेयर। तो हमारा पिरामिड की पिरामिड हमारा आधा तो बन चुका है। अब हमें यहाँ पर कौन उसमें अब हमें लगानी है यहाँ पर लैंडिंग, तो हम जल्दी से लगा देते हैं। वन साइड फिनिश, अब हमें लगाना है नेक्स्ट साइड। और कभी भी आप लैंडिंग लगा रहे हो तो आप सोल वाली मत लगाइए, आप ये वाली लैंडिंग्स लगाइए, क्योंकि ये ज़्यादा ग्लो करती है सोल वाली लैंडिंग से ज़्यादा। और आपको बीगन की आवाज़ आ रही होगी, स्पेशली ये यहाँ तो 6 बीगन्स ऊपर है। तो ये हमारी 3rd साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो बीकन है ना, ये पूरी पिरामिड टाइप साउंड लाता है ये बीकन। तो ये है ऐसा कुछ हमारा पिरामिड दिख रहा है, और यहाँ से हो गया हमारा इंडियन फ्लैग का बीकन। तो ये है हमारा कुछ पिरामिड। अब हमें इसका कवर करना है ग्राउंड, तो हम इसे भी जल्दी से कर देते हैं। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ ऊपर, और मैं यहाँ एक मिडिल में एक लैंप लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा हो चुका है। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। आप तभी भी कोई ग्राउंड फिल कर रहे होगे तो आप ये ऐसा डिवाइड कर लेना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो ये टोटली 4 लेयर्स में डिवाइड हो चुका है। हाँ, ये 4 लेयर्स में डिवाइड हो चुका है। अब हमें इसे फिल कर देना है, तो हम वो भी जल्दी से कर देते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी ये जो हीरो ब्रांड वाली स्किन है इसमें और कौन से चेंजेस ला सकता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ मेरी स्किन में, और आप मुझे आइडियाज़ दें मैं क्या बनाऊँ, कमेंट में आप प्लीज़ बोलें। वेट, मैंने यहाँ का कहीं का ब्लॉक छोड़ दिया है। हाँ, तो अब हमें यहाँ पर लगा देने ब्लॉक। तो हमारी 1 लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जाना है 2nd लेयर। देखो, अब ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू है। ये ज़ॉम्बीज का लक अच्छा है, क्योंकि ये वाटर के ऊपर है, वरना तो ये सीधा जाके लैंड पे गिरते थे और गंदी तरह। और
ये जो हमारा पिरामिड है उसके नीचे मैं लगाने वाला हूँ बीकन्स, क्योंकि पिरामिड ये एलियन पिरामिड है हमारा, तो इसके नीचे मैं बीकन्स लगा के ऐसी लुक दे दूँगा इसे, जैसा कि ये फ्लाई कर रहा है ये पिरामिड। अगर आपने कोई रॉकेट देखी है तो आप उसके आपने कोई रॉकेट देखी है तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसने रॉकेट नहीं देखी है मैं उनको समझा देता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं एक सर्कल बनाऊँगा और उसे ऐसे ऐसे रखूँगा जैसा उसके अंदर से फायर निकल रही है, लेकिन मैं फायर की जगह वहाँ पे लगाने वाला हूँ लैंटेन्स, क्योंकि हम फायर लगा सकते हैं लेकिन डाउन को नहीं लगा सकते हम। तो मेरी सेकंड लेयर तो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब ये है हमारी थर्ड लेयर। उसके बाद हमें बनानी है मेज, और उससे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक डेंजरस सा डोर, और उसको क्रॉस करने के लिए आपको लावा के अंदर से जाना पड़ेगा। आप क्रिएटिव में हो तो आराम से जान सकते हो, लेकिन सर्वाइवल में हो तो आपकी बैंड बच जाएगी। हमारी थर्ड लेयर भी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। माय थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गई। ये हमारी फोर्थ लेयर, तो ये भी हम जल्दी से कर देते हैं। इसलिए मैं ये लाइंस बनाता हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हैं मैं कितना फास्टली हम कर पा रहे हैं इसे। हमारा लैंड कंप्लीट हो चुका है। कई मैंने कई ब्लॉक छोड़ा है, हाँ यहाँ का छोड़ा है, और यहाँ से हम जाने वाले हैं ऊपर, और इसे कर देते हैं हम क्लोज। तो हमें वापस से बाहर जाना है, तो मैं इसे लगा देता हूँ वेट। हाँ तो अभी जाना है इसके फ्रंट में, ये इसका फ्रंट। तो अब हमें एग्जैक्ट मिडिल के ब्लॉक से नीचे आना है। तो कुछ यहाँ पर बनने वाला है हमारा डोर, तो हम डोर बना देते हैं। कुछ इतना बड़ा हमारा डोर होगा, तो अब हम इसे गोल्ड से कवर कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा तो जो हमारे पिरामिड्स होते हैं उसमें बहुत गोल्ड रहता है। तो ये बन चुका है हमारा डोर। अब इस पे हम करने वाले हैं कुछ खतरनाक सा। तो यहाँ पर लगानी है हमें लैंटेन, और हमें इसके ऊपर जाना है, और यहाँ के 3 ब्लॉक्स तोड़ने हैं। यहाँ पर डालो गोल्ड ब्लॉक, और हम लगा यहाँ पर लगाने वाले हैं डिस्पेंसर, और इसके अंदर हम डालने वाले हैं लावा। तो हम लावा सर्च कर, लावा हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास है 3 लावा बकेट्स। यहाँ पर एक डल जाएगी हमारी, और यहाँ पर एक डल जाएगी, और यहाँ पर एक डल जाएगी। तो हमें चाहिए रेडस्टोन और लीवर। तो मुझे ये पूरे डिस्पेंसर को कनेक्ट करना है रेडस्टोन से, और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ लीवर, और एग्जैक्ट इसके नीचे हमें डिग डाउन करना है, और इसके नीचे भी हमें ब्लॉक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लावा पूल है और नीचे लावा जाएगा तो वो ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो जाएगा,
चलो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये लावा तो उतर गया। वेट 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 वेट, लीवर कहाँ गया? इसे मैंने ऑफ कर दिया। हमें इसमें थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे कि लावा यहाँ तक आ गया, तो हमें ये ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे 3, क्योंकि लावा बाहर आ रहा है। और ये लीवर को, ये लीवर की प्लेस हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ऊपर चले जाते हैं और इसे ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रेडस्टोन। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लगा देते हैं हम गोल्ड ब्लॉक्स, क्योंकि ये दिखना नहीं चाहिए हमारा लीवर। यहाँ पर हम लगा देते हैं लीवर। तो अब ये लावा जाने वाला है नीचे और ये हमें टच ना करे बस। तो अब हमें स्वॉट की एक्सेस से ये हो चुका है हमारा लावा बंद। तो ये है हमारा डोर। अब हमें यहाँ, ओ मैं ही नीचे गिर गया। अब हमें यहाँ पर लगानी है वॉल। पहले लावा है, अब इसे लगा देता हूँ। अब हमें यहाँ पर लगानी है वॉल और यहाँ पर बनाना है हमें मेस, सभी लोग को बोला था। और सबसे पहले मेज बनाने की एक ट्रिक रहती है, वो ये ट्रिक है कि सबसे पहले आपको बनाना है आपका निकलने का वे, और उसके फिर उसके बाद में आप बना सकते हो आपका रास्ता। ये भी यहाँ क्यों स्पॉन हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक लैंप लगा देता हूँ, बाद में हम इसे हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर मॉब्स बहुत स्पॉन हो रहे हैं। यहाँ ऊपर क्या है यार, सच्ची में ज़ॉम्बीज बहुत तंग करते हैं, स्पेशली बिल्डिंग के टाइम। कुछ यहाँ पर रहेगा हमारा रास्ता ऊपर लैडर से जाने का। यहाँ है वहाँ पर, हम जाके ही आते हैं। ओके, इसलिए ज़ॉम्बी आ रहे थे। ऊपर से मैं इलाइट्रा पे हूँ, लामा आ गया यहाँ पर। चल अब ये ज़ॉम्बी तंग नहीं करेंगे। तो चलो ये लावा को क्रॉस करते हैं और अपनी मेज पे काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ होगा हमारा लैडर, तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो अब हमें बनानी है यहाँ की मतलब टर्न्स, कुछ आप यहाँ से टर्न ले पाओगे। तो यहाँ पर एक वे रहेगा, यहाँ पर जाओगे तो गलत है। तो हम यहाँ पर ब्लॉक छोड़ देते हैं दो, और हमें और आगे लेके जाना है। पहले मैं इलेक्ट्रिक तोड़ देता हूँ और फिर यहाँ के 2 ब्लॉक्स तोड़ देंगे हम। यहाँ से आप वापस ले जा पाओगे, यहाँ से आओगे आप। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा बंद एरिया है।
यहाँ से आप आओगे आप टू ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन ये तो बंद रहेगी। यो ऐसी कुछ है हमारी बेस। आप सबसे पहले यहाँ से भी हम तोड़ देते हैं, सिर्फ कंटिन्यू एक वॉल बना देते हैं यहाँ पर। तो ऐसी कुछ है हमारे मेज। अगर आप यहाँ पर आओगे तो फंस जाओगे, यहाँ पर आप जा सकते हो स्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर आपको टर्न दिखेगा, लेकिन ये तो बंद ही रहेगा। ये बंद ही है और आपको यहाँ से जाना है। आपको यहाँ से आप जाओगे, हमें ये लैंडिंग तोड़नी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर हमें छेद करना है और यहाँ पर आप यहाँ पर भी जा सकते हो, लेकिन ये जो एरिया है आपका टोटली बंद रहेगा। तो ये है हमारी कुछ ऐसी मेज। तो गाइस हमारी ऐसी कुछ मेज है। तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, यहाँ पर होगा लैडर, यहाँ पर होगा आपका लैडर। अब हमें इसकी डालना है, पहले हमें इसको वन वन ब्लॉक और ऊपर कर देते हैं हम, फिर हम डालने वाले हैं यहाँ की रूफ। तो हमें यहाँ पे वन वन ब्लॉक करने हैं, और उससे पहले ये जो हमारा पिलर है ना यहाँ, इसको हम कर देते हैं ऊपर थोड़ा, डाल देते हैं पूरी तरफ थ्री थ्री ब्लॉक्स, वन वन ब्लॉक कर देंगे हम। फिर हमें यहाँ पर भी डालनी है रूफ। तो हमारे यहाँ का तो हो चुका है वन ब्लॉक, यहाँ का भी करना है हमें। वो एरिया का पूरा वन ब्लॉक हो चुका है, यहाँ का भी वन ब्लॉक है, और हमें यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर। यहाँ पर भी हमारा हो गया। तो ये सब थ्री थ्री ब्लॉक्स के हो चुके हैं। अब हमें डालना है यहाँ की रूफ, तो हम जल्दी से वो भी डाल देते हैं। कुछ आप ऊपर जाओगे और मैं रूप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का भी दिख सकता है, और ये जो आप कहीं भी जाओगे तो आपको लैडर दिखेगा रूप पे से। तो यहाँ का हमें वन ब्लॉक छोड़ देना है, तो हमें बाकी का सारी जगह पे हमें डालना है रूप। अंदर जल्दी से डालना शुरू कर देते हैं। फिर हमें बनाना है ऊपर पोस्टर अनाउंसेस। ये मत समझना कि मैं वो सोशल साइंस की क्वेश्चन आंसर रखने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने आप के रखने वाला हूँ, समझो क्या पसंद है एंड ऑल, लेकिन जो आपको मालूम है जैसा। हमारी ये वन साइड तो कंप्लीट ये भी है, और उसके बाद हमें क्या करना है एंड में, ये मेज में जाके हमें पूरे मॉब्स को मारना है, और यहाँ पर करनी है रोशनी। हमारी वन साइड तो कंप्लीट हो चुकी है,
अब हमें ये वाली साइड करनी है, तो हम ये वाली साइड कर देते हैं। ये भी होने पे ही है हमारा। अब देखो वो फैंटेन कैसा उड़ रहा है। मैंने अभी वहाँ का एक ब्लॉग थोड़ा कैसी रोशनी हो गई थी आप यहाँ पर। कंप्लीट हो चुकी है, ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। हम ऊपर जा सकते हैं ये ब्लॉक तोड़ के। वेट, अब हमें मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ। तो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट मेस वाला। तो हम पहले मेस का रास्ता तो मुझे याद है ऐसा कुछ है। अब हमें यहाँ पर लगाने हैं लैंटर्न्स। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे और हमें वन साइड पे करना है जैसा यहाँ पर। यहाँ का वन बॉक्स यूज कर दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर लगाते जाने हैं लैंटर्न्स। ऐसे करके, क्योंकि ये लैंटर्न्स बहुत ज़्यादा ही लाइट करते हैं। और ये हमें फ्लोर पे से हटा देने हैं और हम ये कॉर्नर पे भी लगाने वाले हैं। हाँ, यहाँ से हम वापस से आ जाएंगे। यहाँ पर लगा देंगे हम, यहाँ पर लगा देंगे। तो अब यहाँ से जाओगे स्ट्रेट, स्ट्रेट भी जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से भी बंद होगा। तो यहाँ से जाओगे यहाँ पर, ये साइड तो पूरी नहीं, यहाँ पर भी मैंने पूरे लैंटर्न्स लगा दिए हैं। अब हमें लगानी है ये साइड पर, तो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ टू और ये कौन, ऐसे कर कर हमें कौन में उसमें लगाना है ये वन ब्लॉक में। यहाँ पर लगा देते हैं हम और ये कौन सी, और ज़ॉम्बीज की तो बाद में मारना ही, तो हम अभी भी मार देते हैं। तो यहाँ पर भी लैंटर्न लगाने हैं हमें, यहाँ पर भी लगा देते हैं, यहाँ पर भी। तो अब यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो यहाँ से रास्ता है, यहाँ पर टू लैंटर्न और यहाँ पर भी एक लगा देते हैं हम। तो अब यहाँ से आओगे, यहाँ चले जाओगे तो हमारी पूरी मेज़ में तो हमने लैंटर्न्स लगा दिए हैं। अब हमें चाहिए होके लैडर, तो हम लैडर जल्दी से ले लेते हैं। लैडर यहाँ पर है तो हम लैडर लगा देते हैं यहाँ पर। ये लग गई हमारी लैडर। तो अब लैडर से यहाँ से ऊपर आओगे और यहाँ पर मैं यहाँ से हमें बनानी है यहाँ से वॉल, बना देते हैं। ये बन जाएगी हमारी वॉल। तुम जल्दी से वॉल को कंप्लीट कर देते हैं। वॉल इसे ऊपर तो लेके जाना ही है। ये हाइट इनफ है। तो ऊपर आइए, अब हमें यहाँ पर लगाने हैं लैंटर्न्स। यहाँ पर भी हैंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे लग जाएंगे लैंटर्न्स और यहाँ पर आएंगे हमारे डोर्स।
तो ये हो गए हमारे 3 डोर्स। अब हमें डोर्स भी चाहिए हो गए। डोर्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे और हम लगाने वाले हैं अलग अलग टाइप के डोर्स, जैसा कि यहाँ पर लगाने वाले हैं हम गोल्ड, तो हम पिंक वाला लगा देते हैं, और बीच में हम लगाने वाले हैं एमरल्ड, ये रेड, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डायमंड। तो हमें चाहिए होगी आइटम फ्रेम, हम आइटम फ्रेम सर्च कर लेते हैं। तो ये मिल गई हमें आइटम फ्रेम, और हमें चाहिए हो गए, हमें चाहिए होगा एमरल्ड, यहाँ पर है एमरल्ड, और हमें चाहिए होगा डायमंड, और हमें चाहिए होगा गोल्ड। तो हम पहले आइटम फ्रेम्स लगा देते हैं यहाँ पर। ये हमें चाहिए होगा गोल्ड, डायमंड और एमरल्ड। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एमरल्ड, यहाँ पर आ जाएगा हमारा गोल्ड, यहाँ पर आ जाएगा हमारा डायमंड। यहाँ पर लगाने वाला हूँ मैं ना एमरल्ड, और यहाँ पर लगाएंगे हम गोल्ड। तो हमारा करेक्ट वन होगा एमरल्ड वाला, और यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ एक रैप। और वो ट्रैप रहेगा ज़ॉम्बीज। तो मैं यहाँ पर स्पॉन करने हैं ढेर सारे ज़ॉम्बीज, तो हम कर देते हैं ज़ॉम्बी हट जा, मुझे 1 ज़ॉम्बी नहीं चाहिए। वेट, ये कहाँ स्पॉन हो रहे हैं? वन ज़ॉम्बी इज इनफ। तो डायमंड में भी हम लगाने वाले हैं ज़ॉम्बी। तो हम डायमंड में भी लगा देते हैं ज़ॉम्बी, यहाँ पर स्पॉन होते हैं ज़ॉम्बी, और यहाँ पर हम लगा देंगे। वेट, ये लगाने से पहले क्या हम और ज़ॉम्बी स्पॉन कर पाएंगे? हम और कर लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे स्टोन। तो ये हो गए हमारे ज़ॉम्बीज, और मैं भी यहाँ पर और ज़ॉम्बीज स्पॉन कर देता हूँ। ये सारे ज़ॉम्बीज, और ये होगा हमारा करेक्ट डोर। तो ये आप यहाँ पर लेके जाएगा, और यहाँ पर आपको फिर आएंगे क्वेश्चन, नहीं हाँ क्वेश्चन आएंगे आपको। तो मैं ये वाला करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आएगा हमारा क्वेश्चन। तो हमें चाहिए होगा साइन बोर्ड, साइन बोर्ड है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाने वाले हैं साइन बोर्ड, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय चैनल, H-E-N, when I have started my channel। तो हम ये लिखने वाले हैं, और फर्स्ट होगा हमारा यहाँ पर हमारा एक डोर आएगा, और यहाँ पर हमारा एक डोर आएगा, और फिर यहाँ पर हमारा एक डोर आएगा। तो आपको सेलेक्ट करना होगा करेक्ट ऑप्शन। तो हम एक डोर ले लेते हैं, डोर हम लेने वाले हैं हमारा ब्लू वाला। तो हमें इसे 1-1 ब्लॉक हाइट पे डालना है, ताकि हम ऊपर साइन बोर्ड से लिख पाए। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं हम 6, और यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पर आएगा 30,
और हमारा यहाँ पर आएगा फर्स्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सिक्स। तो हमें यहाँ पर एक वे बनाना है, हम उसे बना देते हैं। और वो भी एंड होगा यहाँ पर, और ये जो पार्ट होगा हमारा यहाँ पर हम इसे बंद कर देंगे। और यहाँ पर आप तब आओगे तो आपको दिखेगा क्रशर, तो हमें सबसे पहले यहाँ के ज़ॉम्बी फाइट करने पड़ेंगे। ये जो ज़ॉम्बीज हैं ना, इसे हमें हाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर लगा देते हैं लैंटर्न, यहाँ पर उसका अंधेरा, ये ऐड हो गए हमारे लैंटर्न। और अब हम यहाँ पर रखने वाले हैं हमारा ट्रेजर, गोल्ड ब्लॉक तो हमारे पास है, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम थोड़ा गोल्ड यहाँ पर राइट। और यहाँ पर डालने वाले हैं हमारा डायमंड, और यहाँ पर हमारा गोल्ड डायमंड, और हम थोड़े ऐड करने वाले हैं नेदरराइट, और बीच में हम रखने वाले एक शल्कर, तो हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। और इस शल्कर के अंदर रखने वाले हैं हम ढेर सारे डायमंड और एमरल्ड ब्लॉक, गोल्ड ब्लॉक, बीकन, डायमंड ब्लॉक, और एक स्टैक बीकन, नेदरराइट ब्लॉक, एमरल्ड्स और सी लैंटर्न, ड्रैगन नेक एंड क्रिस्टल्स और नेदर स्टार, और हमारे पास रेयर आइटम्स हैं गोल्डन इंगेट। तो ये हो गया हमारा ट्रेजर रूम। तो मैं आपको एक बार पूरा ये बता देता हूँ, और इसके हम बनाने वाले हैं स्टेज। तो हमें यहाँ पर जाने का था, तो ये है हमारा रूम, हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो अब हम बनाने वाले, हाँ ये था मेरा पिरामिड। और पिरामिड को ख़त्म करने से पहले मुझे यहाँ पर एक और ही चीज़ लगानी है, वो है बीकन। तो हम बीकन, तो ये हमारा एलियन पिरामिड है ना, तो हमें वन वन टू थ्री, थ्री ब्लॉक्स टू थ्री, यहाँ पर हमें थ्री बीकन्स लगाने हैं। और फिर सेम यहाँ पर हमें थ्री बीकन्स, मतलब हम थ्री बाई थ्री का एक स्क्वायर बनाएंगे जैसा कि यहाँ पर बनाया है। अब हमें यहाँ पर भी बनाना है सेम थ्री बॉक्स, ओके वन टू एंड थ्री, और फिर वन टू एंड थ्री। तो हमें यहाँ पर बीकन लगाना है, और यहाँ पर लगाना है हमें बीक, हमारा वन मोर साइड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर भी लगाना है, तो हमें ब्लॉक पहले डाल देते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम बीकन लगाने हैं, वन टू एंड थ्री, देन वन वन टू एंड थ्री। हमें यहाँ पर लगाना है सेम, यहाँ पर भी हमें थ्री बाई थ्री का एक स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर भी बन गया, अब हमें यहाँ पर भी बनाना है सेम, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। तो ये अब ऐसी लुक दे रहा है जैसा ये एक स्पेसशिप है। तो हाँ, ये था हमारा पिरामिड। मैं आपको इसका एक पूरा टूर दे देता हूँ। पहले ये है हमारा इंडियन फ्लैग का बीकन, और इसके अंदर आप जाओगे तो
आप यहाँ से उछलना और आपको लीवर दिखेगा, लीवर को दबा देना और यहाँ से लावा हट जाएगा। और आप ज़रा केयरफुल रहिए क्योंकि आप लावा के अंदर भी गिर सकते हैं। हमें चाहिए होगा रेडस्टोन, रेडस्टोन यहाँ पर है। हाँ, अब ये लावा का डोर हट चुका है हमारा। तो आप लावा का डोर, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ऐसा कूद के भी जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक मेज मिलती है, आपको मेज को पार करना है। मैंने ये मेज को बनाई है तो मुझे पता ही है। तो आपको जाना है ऊपर और आपको दिखेगा चूज़ द करेक्ट। तो आपको जाना है, ये ज़ॉम्बी सभी आके दिख रहे हैं। आप अगर आपको डायमंड वाला दिख रहा है तो आप कंफ्यूज हो गए कि एम्बल लेना है कि गोल्ड। अगर आप गोल्ड में भी जाओगे तो गोल्ड में भी ज़ॉम्बी है और एम्बल इज द करेक्ट। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय चैनल। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो आप पता होगा, अगर आपने नहीं देखी तो आप रॉन्ग हो जाओगे। तो 6 को मैंने स्टार्ट किया था मेरा चैनल। तो यहाँ पर आओगे तो ये है मेरा ट्रेजर। तो या गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए गुड बाय।